अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं रोशनी की माँ मर जाती है और रेहान उसे अपने घर ले आता है, लेकिन अब जैसे जैसे रेहान रोशनी का ख्याल रखता है और रानिया को इग्नोर करता है, यही बात रानिया से बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से होती है तो उसकी माँ उसे समझाती है, प्यार से चलो, तरीके से चलो। रेहान को हासिल करने के लिए रोशनी पर अपना एतबार बिठाओ। अगर तुमने रोशनी का दिल जीत लिया तो समझ लो तुमने रेहान को भी जीत लिया। चुनाचे रानिया की अक्ल में ये बात आ जाती है। वो रेहान का दिल जीतने के लिए उसके सामने रोशनी से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, मुझे माफ़ कर दो। और बेचारी सादा रोशनी उसकी बातों में आ जाती है। रेहान उसे कहता भी है, आज से पहले उसने कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, तुम्हारे करीब नहीं आई, हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश की है, अब एकदम से अच्छी कैसे हो गई। रानिया खुशी खुशी अपनी शादी की शॉपिंग करती है और साथ में रोशनी को भी लेकर जाती है। अब रोशनी की समझ में ये नहीं आ रहा होता कि असल में रेहान की बीवी तो वो है, लेकिन अपने इस हक़ का इजहार वो कैसे करे। वो रानिया के एहसानों के बोझ तले दबी चुप रहती है, लेकिन रानिया का रेहान के करीब आना भी उसे अच्छा नहीं लगता। रेहान बेचारा भी इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई अच्छा मौका आए और वह बताए कि वो रानिया से शादी नहीं कर सकता, वो तो रोशनी से निकाह कर चुका है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।